गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी अगेन। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हूँ। और ये जो लगा हुआ है, मैंने कल रात को डर्मिकुल पाउडर लगाई थी और आज सुबह जल्दी जल्दी उठ के नहा धो के फिर से लगा लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इन गर्मियों के दिनों में ना घमोड़िया की प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादातर मैं एसी में रहती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह शूट करना होता है और रात को तो एसी चला के ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे घमोड़िया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोलकाता में इतना ज़्यादा गर्मी है ना, इस वजह से ऐसा हो जाता है। मतलब ये प्रॉब्लम मेरी शादी के बाद ही स्टार्ट हो गई थी, पहले उतना नहीं होता था। मतलब हमारे यहाँ भी गर्मी होती है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ का गर्मी मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला है। और हमारे घर पे ना, मतलब अगर खिड़की खुला रखूँ तो थोड़ा सा हवा वगैरह अंदर आने का चांस है, अदरवाइज़ एकदम पूरा मतलब बंद किया हुआ है कमरा। एसी रूम है इस वजह से, वेंटिलेटर वगैरह भी नहीं है इस वजह से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। आज दीपंकर थोड़ा सा लेट से जाएंगे जिम, क्योंकि कल रात को ना 2 घंटे से ऊपर तक लाइट नहीं थी और कल रात को तो इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी सबकी, कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। तो 1 घंटा लेट से जाने वाले हैं इस वजह से। और अभी मैं सब कुछ, खाना वगैरह मेरा कंप्लीट हो गया पकाना, एक बार दिखा देती हूँ आज मैंने क्या क्या पकाया है। तो यहाँ पर देखो राइस है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा गर्मी आ गई है, ज़्यादा मतलब मसाला डाल के खाना वगैरह खाती हूँ ना तो पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, ऊपर से गर्मी भी दुगना बढ़ जाता है ऐसा लगता है। तो दीपंकर भी बोल रहे थे मुझे मतलब राइस में पानी डाल के दे देना, उसके साथ कुछ आलू फ्राई या फिर फिश फ्राई वगैरह दे देना, उसी से खा लूँगी। एंड आजकल हम लोग भी दोपहर में यही खा रहे हैं। बहुत सारे लोग बंगाली में से पांता भात बोलते हैं या फिर फैना भात बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलो। तो वही मैंने बनाया है, राइस में पानी डाल दिया है, थोड़ा सा नमक दिया है और ये एक क्या बोलते हैं ग्रीन चिली दे दिया है। यहाँ पे 2 फिश फ्राई है। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ओट्स का चीला बनाया है और ये एप्पल, इसके अंदर थोड़े से ग्रेप्स मैंने डाले हैं और ये प्रोटीन पाउडर, ठीक है। और ये बैका और टुलटुल का खाना मैंने रेडी करके रखा है, ये देखो बैका और टुलटुल का। आज मैंने बैका और टुलटुल के लिए पता है क्या बनाया है, चिकन और एग डाल के मतलब दोनों को बॉईल कर लिया है, एक साथ सूप टाइप नहीं, जस्ट बॉईल किया है विदाउट नमक। तो चलिए 6:30 बज गए हैं, बैका टुलटुल आके बैठा है दोनों घर के सामने, तो दोनों को खाना खिलाती मैं वापस आके आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। तो देखो दीपंकर चला गया और उसके बाइक की आवाज़ सुनते ही बैका आ गया है। मतलब अभी उसको पता है दीपंकर चला गया, बाइक का आवाज़ हो रहा, अभी इसको खाना मिलेगा। और यहाँ पे देखो हमारे घर के सामने ये आम का पेड़ है, यहाँ पे देखो कितने सारे आम आए हैं। मैं सोच रही हूँ कभी ये पकेंगे, पकने के बाद मैं खा पाऊँगी, पिछले बार भी बहुत सारे मिला था। तो दीपंकर अभी भी गए हैं थोड़ी देर पहले और अभी 7:30 बज रहे हैं। मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा आज भूख लग गई है। ये देखिए आज थोड़ा लेट भी हो गया ब्रेकफास्ट करने में, दीपंकर लेट से गया है तो मेरा भी लेट हो गया। और जैसे कि मैंने कहा था कल रात को 2 घंटे से लाइट नहीं थी, 3:30 की करीब करीब लाइट चली गई थी और सुबह 5:30 आई थी। ज़रा सोचिए इतनी गर्मी में लाइट नहीं है, फ़ैन ऑन नहीं कर पा रही हूँ, कैसा हालत हो रही थी तब मेरी। तो उसकी वजह से ना सुबह सुबह इन दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी आजकल है, इस वजह से मैंने चाय पीना भी छोड़ दिया है। चाय पियो तो लगता है और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, सिर्फ शाम को ग्रीन टी पीती हूँ वही बस, मिल्क टी तो बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया है। थोड़ा गर्मी कम होने देती हूँ उसके बाद फिर से पीऊँगी। और आज तो सुबह सुबह नींबू पानी भी नहीं पिया, इतना मतलब गर्मी लग रही थी, मतलब मेरा मूड ही नहीं हो रहा था कि नींबू पानी वगैरह फिर से पी। तो चलिए अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, उसके बाद काम वाम करूँगी, देन आप लोगों से फिर से मिलती हूँ।
तो देखो यहाँ पे दीपंकर चले जाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद अभी जो घर का बासी काम वगैरह होती है वो मैं अभी कर रही हूँ, और ये सब ना मैं दीपंकर के चले जाने के बाद ही करती हूँ क्योंकि उसको 5:45 बजे घर से निकलना होता है जिम के लिए। लेकिन अगर मैं उसको बार बार जाके ना बुलाऊँ ना तो वो सोए ही रहेगा, नहीं जाएगा, तो उसको बार बार जाके बुलाना पड़ता है। और मेरे दिमाग में ये रहता है अगर मैं काम स्टार्ट कर दूँ और यहाँ पे टाइम हो गया तो उसको ठीक से मैं बुला नहीं पाऊँगी, टाइम से वो नहीं जा पाएगा। इस वजह से खाना वाना पकाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठी ही रहती हूँ। दीपंकर चले जाने के बाद मैं धीरे धीरे अपने मन के हिसाब से सारे जो बासी काम वगैरह है वो करती हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाइनिंग टेबल को पोछा अच्छे से, उसके बाद बर्तन वगैरह धो रही हूँ। और वैसे तो मॉर्निंग टाइम में मैं क्या क्या करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ व्लॉग में, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक दिन ज़रूर मैं मेरी मॉर्निंग टाइम के रूटीन जो होती है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो मेरे दिमाग में है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और प्लीज़ मेरे साथ रहिए चैनल पे। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धीरे धीरे मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगी, मेरी लाइफस्टाइल के बारे में भी बहुत सारे कुछ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। मैं अपना काम वाम सब कुछ निपटा के नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ, और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। अभी बस जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और थोड़ा सा ना मेरी मेकअप वीडियोस एडिट करना बाकी है, वही करूँगी। और हमारे यहाँ पर ना सामने घर पे क्या बोलते हो उसे, कीर्तन चल रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ आप लोगों को सुनने को मिलेगी। तो 2 दिन से इतना ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अचानक से ना अभी वेदर थोड़ा चेंज हो गया है। सुबह तक भी बहुत ज़्यादा धूप थी, मतलब सुबह के 4:30 बजे से ही इतना ज़्यादा धूप थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। लेकिन 6 बजे जब दीपंकर गए थे ना, तब मैंने देखा सडनली वेदर जो है वो चेंज हो गया है। तो अभी मैं थोड़ा सा छत पे जा रही हूँ, ये गाना बज रहा है, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है। ये देखो वेदर कितना सही हो रखा है, बिल्कुल भी अभी धूप नहीं है, ठंडा हवा चल रहा है। फाइनली गाइस, फाइनली इतने दिनों बाद, इतने गर्मी देने के बाद फाइनली अभी बारिश आने वाली है। वेदर तो अभी बहुत अच्छा हो रखा है, मुझे लग रहा है किसी दूसरे साइड पे बारिश हो भी रही है। और मैं छत पे गई थी तो ये कपड़े दिख गए धुले हुए, बिल्कुल सूखे हुए हैं, मैं लेके आ गई। ये कल रात के कपड़े हैं, जो मेरे वाले हैं वो मैंने लेकर आ गई कल ही, और ये मेरे सासू माँ के हैं जो कल रात को उन्होंने धो के सुखाए थे, अभी सूख गए हैं, मैं लेके आ गई हूँ। अभी बस मैं अपने रूम पे चली जाऊँगी और थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। मैं ये लाइट ऑफ कर देती हूँ, बाद में करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगी। और आज तो एसी ऑन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ैन ऑन करके रखा है, उसी से ही काम चला जाएगा। तो और आज रात को ना हमारे घर पे एक मेहमान भी आने वाले हैं, वो मैं आपको शाम को ही दिखाऊंगी, बाद में ही बताऊंगी। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, सो अभी बज रहे हैं 6:30। मैं जस्ट अपना पूजा कंप्लीट करके आई हूँ किचन पे। मैं मेरी सासू माँ के लिए चाय बना रही हूँ, और जैसे कि मैंने सुबह कहा था, आजकल मैंने सुबह तो मिल्क टी पीना छोड़ ही दिया है गर्मी की वजह से, और शाम को ग्रीन टी पीती हूँ। तो ये रही मेरी ग्रीन टी, ठंडा ना हो जाए इस वजह से मैंने ढक के रखा है। तो मैं अपनी चाय घर मेरे रूम पे लेके आ गई हूँ, क्योंकि डाइनिंग में ना यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे रूम में इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है जितना डाइनिंग में है। टीवी का साउंड सुनाई देगा, पानी की मशीन भी चल रही है, उसके भी साउंड आएगी, इस वजह से मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो अभी बैठ के शांति से मैं बताती हूँ आज कौन आने वाला है। आप लोगों को अगर याद हो तो दिसंबर मंथ में जब मैं घर गई थी पिछले साल,
तो मैंने मेरे भाई को दिखाया था, संजू, वो ही आज आने वाला है, वो मेरे कज़न ब्रदर है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने अभी अपना नया नया शॉप खुला है, तो जिसकी वजह से वो कोलकाता पे आते जाते रहता है। लेकिन क्या होता है कि 2 दिन या फिर 3 दिन के लिए आता था, तो मेरे घर पे आने का उसे टाइम ही नहीं मिलता था। 2 दिन 3 दिन के लिए आता था, वो अपने नया नया शॉप है, उसकी वजह से माल, मतलब क्या बोलते हैं, दुकान का सब माल वगैरह लेने के लिए आता है, तो 3 दिन शॉपिंग में ही निकल जाता है और शाम के फ्लाइट से वापस चला जाता था। तो इस बार दीपंकर ने कहा, अगर इस बार तुम नहीं आओगे तो बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। मैं भी बोल रही थी और मेरी मम्मी भी बोल रही थी, इतने बार कोलकाता चला गया है, 1 साल में अभी तक 4 बार आ चुका है ऑलरेडी, अभी इस टाइम ले कर 5 बार हो जाएगा, तो 4 बारी में 1 बार भी नहीं आया। तो मतलब मैं समझ सकती हूँ, टाइम नहीं मिलता इसलिए आ नहीं पाता। तो इस बार वो भी बोल रहा है, नहीं नहीं इस बार मैं आऊँगी, इतना बोलना नहीं पड़ेगा, इस बार मैं ज़रूर आऊँगी, इस बार मैं अपने हाथों में टाइम लेके आ रही हूँ। तो वो आने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज रात का डिनर भी यहीं पर करेगा। और अभी तो थोड़ा थोड़ा मतलब बारिश हो रखी है बाहर, हल्का फुल्का बारिश हो रही है। तो दीपंकर फ़ोन करके मुझे बोल रहा था, अगर ज़्यादा बारिश हो गया, स्टार्ट हो गया, तो संजू को कहना हमारे घर में ही रुक जाने के लिए रात को। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, देखते हैं आने के बाद। तो अभी मैं अपना ग्रीन टी पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और ये देखो संजू आ भी गया है। तो ये ना बहुत ज़्यादा कैमरा शाय है, ज़्यादा कैमरे के सामने आना नहीं चाहता। तो यहाँ पर मैं, दीपंकर, संजू बैठ के मेरे रूम पे कुछ गपशप वगैरह कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और मैं तो जब जाती हूँ घर पे, मुझसे मुलाकात हो जाती है, लेकिन दीपंकर से तो 1 साल बाद मुलाकात हो रही है। तो दीपंकर और भैया गए हैं ऊपर, हमारे जो ऊपर घर बन रहा है ना, वो अभी तक रेडी नहीं हुआ, लेकिन जो भी जितना भी हुआ है ना, वो संजू ने नहीं देखा था, तो वही देखने गया है। और हमारे छत के ऊपर एक मंदिर बन रहा है, वो भी दीपंकर उसको दिखाने ले गया है। तो अभी ना मेरा एक पार्सल आया है, तो ये चीज़ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहती हूँ। और क्या चीज़ है, मैं अभी इसको अनबॉक्सिंग करूँगी। मैंने सोचा अभी व्लॉगिंग कर रही हूँ, ये आ गया है, तो ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, हेल्पफुल चीज़ होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए इसको मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करूँगी। ये देख सकते हो, मैंने अभी तक इसे खोला भी नहीं है, तो चलो देखते रहो। तो इसे मैं अभी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ आप लोगों के सामने ही। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, बहुत दिनों से ये खरीदने की मेरा मन था, लेकिन मैं ढूंढ रही थी, अच्छा मिल ही नहीं रहा था, जो थोड़ा अच्छा भी हो और अफोर्डेबल प्राइस में हो। तो मुझे ये दिख गया, काफी अच्छे से पैकिंग करके भेजा है इन लोगों ने। तो ये क्या है मैं बता देती हूँ, ये एक लॉन्ड्री बॉक्स है, ठीक है। ये इस तरीके से अटैच नहीं आता है, मतलब अलग अलग पार्ट में आता है। ओ अच्छा, अटैच्ड ही है। अच्छा ये देखो, कुछ इस तरीके का है, लॉन्ड्री बॉक्स है ये। क्या हुआ कि मेरे जो एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह है ना, वो मैं इधर उधर फेंक के रखती थी, मतलब इधर उधर फेंक के नहीं रखती थी, मैं सोफे पे रखती थी। अभी भी आप साइड पे देख सकते हो। वैसे तो लॉन्ड्री बॉक्स में क्या होता है कि जो लोग मतलब जो गंदे कपड़े होते हैं वो इनमें रखते हैं, लेकिन मैं इसमें अच्छे कपड़े धो के रखने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे सोफे पे पड़ा रहता है, तो जब लोग आता है सोफे पे बैठने की जगह नहीं होती है, और दिखने में भी ये घर थोड़ा कैसा लगता है। तो मैं बहुत दिनों से ऐसा सोच रही थी कि क्या खरीदूँ ऐसा जो दिखने में भी खूबसूरत लगे, जगह भी ज़्यादा ना ले और थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस में हो। पहले तो फाइनली मुझे, मैं लॉन्ड्री बॉक्स मतलब ऐसे फ्लिपकार्ट पे स्क्रॉल करते करते लॉन्ड्री बॉक्स मिल गया मुझे, तो वो मैं देख रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगा दिखा रहा था सब कुछ। तो बस मैंने स्क्रॉल करते 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 ये मुझे दिख गया, और इसकी रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये मुझे सिर्फ 250 रुपीज़ का मिला था,
ये मुझे लगता है इसके अंदर कार्डबोर्ड है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्या बोलूँ, हार्ड मटेरियल है। मतलब ऐसे अगर इसके अंदर आप कपड़े रखोगे भी ना, ये गिर नहीं जाएगा। और ये दी गई है इसके अंदर रखने के लिए, मैं आप लोगों को एक बार सामने से दिखा देती हूँ। तो देखो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और इसके अंदर ना ढक्कन है इस तरीके से, मतलब आप कपड़े धो के इसके अंदर रख सकते हो। ये ढक्कन मतलब लीड दी गई है, जिसके वजह से आपके कपड़े गंदे भी नहीं होंगे। और ये जो अलग से कार्डबोर्ड दी गई है ये इसके अंदर रखने के लिए, सेकंड में दिखाती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आई है, मैंने इतना भी नहीं सोचा था, हालांकि मैंने बहुत अच्छी अच्छी रिव्यू देखी थी। और ये देखो ये कपड़े किस तरीके से, मतलब धुले हुए कपड़े, सब गंदा भी हो जाता था और इस तरीके से सोफ़े पे रखना पड़ता था। तो मैंने बहुत सोच सोच के ये वाला ख़रीदा। अभी इसको कहाँ रखना है वो मैं बाद में सोचूंगी। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:15, और दीपंकर और संजू अभी डिनर करने बैठ गया है। और आज डिनर बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाया है, और ये देखो किस तरीके से शर्मा रहा है। तो यहाँ पे थी दाल, मसूर के दाल, चिकन ऑमलेट, और ये एक किस टाइप का ये सब्ज़ी है अभी मुझे याद नहीं है। तो बस अभी डिनर हो रहा है। तो अभी संजू जा रहा है, लास्ट ट्रेन हमारे यहाँ से 11:15 बजे की है शायद, तो वही पकड़ने वाला है। और यहाँ पे देखो बैका टुल टुल आके खड़ा है, मेरी सासू माँ बैका को भगा रही है, क्योंकि हमारे गली पे अगर कोई भी आता है ना नया चेहरा, वो लोग दिखता है मतलब देखते हैं तो वो ऐसे भौंकने लगता है, अभी जाके काट लेगा, ऐसी हालत बना देती है। तो इस वजह से टुल टुल उतना ज़्यादा नहीं करता, लेकिन बैका तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो ऐसा करता है। अभी देखो कितना शांत होकर बैठा है। तो ये देखो अच्छे से मैंने ठीक ठाक करके सब कुछ रख दिया, इस साइड पे मेरे कपड़े, इस साइड पे दीपंकर के कपड़े, और ऊपर मैंने टॉवल रखा है, क्योंकि टॉवल तो हर वक्त मतलब लगता है, ज़रूरी होता है। और इसको मैंने लीड भी लगा दिया है, ये जो ढक्कन है। तो अभी क्या होगा, धुले हुए कपड़े गंदे होने का कोई चांस नहीं है। और ये जो कपड़े हैं इसको मैं ट्रॉली पे रखने वाली हूँ, क्योंकि ये ठंड के कपड़े हैं। हे गाइस, तो मैं जस्ट नहा धो के फ्रेश होके मैंने मेरी नाइट टाइम का स्किन केयर रूटीन कंप्लीट कर लिया, और अभी बस मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मेरी आँखों में ना अभी नींद भरी पड़ी है। एडिटिंग का थोड़ा काम बाकी था, लेकिन आज नहीं करूँगी, कल संडे है, कल आराम से बैठ के कर लूँगी। तो चलिए गाइस, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो क्या करना है आप लोगों को पता है, वीडियो पे करना है लाइक, चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी करना है ऑन। तो चलिए गाइस, आप लोगों से मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।